हाय नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है और बड़े दिनों बाद आपके सामने आ पा रहा हूँ। कारण आपको बताया मैंने वही है कि बिज़ी रहते हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका काम करना ही है। और आज एक्चुअली इसलिए फ्री हो गए हैं क्योंकि सब कुछ जैसे कहते हैं एग्जैक्टली टू बी सेट 6 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया। और यही शायद आपके लिए पहला टिप है। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि एग्जैक्ट 6 दिन हुए थे ना, तो ये जो अचानक से 6 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है ये परसों ही हुआ है। कल मैं थोड़ा पर्सनल कामों में बिज़ी था, तो वो जो ओरिजिनल काउंसलिंग शेड्यूल था जिसमें हमें 10 तारीख को हमारा एमसीसी का चॉइस लॉक और 13 तारीख को रिज़ल्ट आना था, प्रैक्टिकली वो 16 तारीख तक चॉइस लॉक और अब 19 को रिज़ल्ट आ गया, राइट। और ये मैंने अपने क्लाइंट्स को तो बता दिया था ब्रॉडकास्ट में, लेकिन मैंने कहा वीडियो नहीं बना पाया था। तो एक रूल आप हमेशा ध्यान रखिए, इंडिया में एमसीसी का रिज़ल्ट आने से पहले किसी स्टेट का किसी राउंड का रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता। उसका कारण बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट सीट्स के लिए। ओके, तो इसलिए अब सब लोगों ने पोस्टपोन करा है। बिहार जिसका आ जाना था उसने भी कल नोटिस आ गया कि पोस्टपोन है। हाँ, फ़र्क ये है कि जैसे और बाकी सब ने तो अच्छा कर दिया, तो हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी सब ने आपको काफ़ी समय दे दिया है, तो और ख़ासकर यूपी ने। लेकिन वही बात है कि बाद में दिया है, तो यूपी का लास्ट डेट जैसे 19 तारीख है, 19 तारीख को रिज़ल्ट आना है। तो कई मेरे क्लाइंट्स थे जो पहले मेरा पूरा प्लान करा हुआ था कि भाई जब एमसीसी का रिजल्ट देख लेंगे तभी यूपी में 2 लाख रुपये फंसाएंगे, डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो चॉइस फिली नहीं करेंगे हम। लेकिन फंसाने भाई 6 महीने के लिए पैसे फंसते भी तो हैं, पर इन्होंने वो जो गड़बड़ कर दी उस चक्कर में हमने यूपी के पैसे दे दिए। पर अब एमसीसी भी पोस्टपोन्ड और यूपी भी एग्जैक्टली उतने दिन पोस्टपोन्ड हुआ है कि फिर से वो सेम डेट क्लैश कर रही है कि आखिरी दिन 19 तारीख है यूपी रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पर 19 तारीख को एमसीसी का रिजल्ट आना है, जो पहले होना था जब 13 तारीख वाली बात थी कि 13 को रिजल्ट आना था और 13 को यूपी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म होना था। तो इस तरह चलती हैं डेट्स, और वो डेट्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने डिपॉजिट्स बचाना चाहते हैं और पैसे फंसाने से भी बचाना चाहते हैं। क्योंकि मजाक मजाक पता नहीं चलता, हमारे 7-8 लाख रुपये तो फंस जाते हैं, 3-4 लाख रुपये डिपॉजिट्स के डूब जाते हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर अपनी काउंसलिंग खुद कर रहे हैं, किसी काउंसलर से करवा रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा, तो अपने मेंटली ये मान के चलिए, जैसे मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था ना कि साल के रिजल्ट को देख के कि आप मान के चलिए कि जिसके साथ जितने भी नंबर है उसको 50 नंबर से कम कर लो अगर आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है नंबरों के हिसाब से। सिमिलरली 4-5 दिन के लिए अपने दिमाग को वो कर दो कि भाई आज 16 नहीं 10 तारीख है, तो फिर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है 13 को एमसीसी का रिजल्ट आना था, 14 को हरियाणा की लास्ट डेट थी, एक्सेट्रा। अभी भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है, तो वो 4-5 दिन अपने दिमाग को पॉज करना हमने ऐसे या वैसे। अब जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस लेट का, देखिए दो धारी होता है, मैं आपको बताऊँ, और कौन सा पलड़ा भारी होता है शायद बड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, और फिर तीसरा बताऊँगा जो NRIs है जिसका मैंने टाइटल में भी जिक्र करा। दो धारी कैसे है कि 2 महीने पहले जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो कई बच्चे ड्रॉप करने का मूड बनाते हैं, मेरे पास भी आए थे, और फैमिली कहती थी सर 50-50 है, तो मैं उनको ये सलाह देता था कि आप ना ड्रॉप करना शुरू करो, बच्चे से बोलो पढ़ाई पे ध्यान दे, पेरेंट्स को बोलो आप काउंसलिंग पे ध्यान दो। और जब ये जो आज का दिन आया है, मैंने तब मैं अगस्त एंड बोलता था, मैं कहता था सर अगस्त एंड या सेप्टेम्बर मिड तक आते आते ना बच्चे को पता चल जाएगा कि उसे 2-3 महीने में क्या तरक्की करी है और क्या वो उस पाथ पे है। और कभी कभार ना बच्चा बोर फील करता है, उसको लगता है कि मेरे दोस्तों का एडमिशन हो गया है, तो वो खुद ही कहता है जी मेरा एडमिशन करा दो इसी साल। तो ये जो काउंसलिंग लेट होती है ना, तो उसमें कभी कभार वो जो लेट लतीफ़ बच्चे थे जो कि पहले ड्रॉप करने की सोच रहे थे वो मैदान में आ जाते हैं। उल्टा भी होता है, कुछ लोग जो ड्रॉप नहीं करना चाह रहे थे अब उनके दिमाग में ये आता है अरे भाई, और ख़ासकर ये कोचिंग सेंटर डालते हैं उनके दिमाग में, अरे भाई सितंबर तो आ ही गया, अभी तो काउंसलिंग चल रही है, अक्टूबर तक तो काउंसलिंग चलनी है, नवंबर में कॉलेज खुलेगा, अगले मई तो ये रहा 6 महीने बाद दोबारा नीट आ रहा है, तो बच्चे तो ड्रॉप कर ही ले। तो एक्चुअली दोनों फितरतें चलती हैं। कुछ लोग इस चक्कर में रहते हैं, वो देखते हैं कि अरे 6 महीने बच्चे ड्रॉप कर लो, खासकर कोचिंग सेंटर बोलेंगे। कुछ लोग एक्चुअली ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं थक गया हूँ, पिछले 2 महीने में उतना पढ़ाई पर फोकस नहीं आ रहा है, तो मैं ज्वाइन कर लूँ। मुझसे फिर भी पसले पूछो तो पहला पलड़ा भारी होगा, विच मीन्स कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ जाता है बाय 15-20% कि वो बच्चे जो सोचे थे ड्रॉप करने की वो अब मैदानों में आना शुरू कर देते हैं। और यही एक कारण होता है कि क्यों कट ऑफ सब ऊपर जाने लगी हैं, वरना हमेशा एक ट्रेंड था कि फ्री एजेंट के बाद कट ऑफ एक बार गिरती थी,
बिकॉज राउंड वन में जहाँ जहाँ फ्री एजेंट था यूपी के अलावा टिल लास्ट ईयर, वहाँ पर सब लोग मजाक में फॉर्म भरते थे, उसके बाद राउंड टू में अब सीरियस होते थे तो कट ऑफ गिरती थी। अब फिर लोग पूछते हैं कि सर ये फिर ये लॉजिक अब चल क्यों नहीं रहा। वो इसलिए नहीं चल रहा सिर्फ कि नए बच्चे जो राउंड वन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे बिकॉज उन्होंने ड्रॉप करने का सोचा था, वो अब मैदान में आने लगे। तो आप केयरफुल रहिए, और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो फितरत होती है, वो जब डिले होती है काउंसलिंग, तो ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं क्योंकि अब उनको सोचने का और समय मिल गया, या पढ़ाई करने का और अपने आप को देखने का कि दो महीने से जो मैं पढ़ाई कर रहा था जून जुलाई अगस्त, उसमें मैं कुछ खास तरक्की है, खास फोकस नहीं डाल पा रहा। तीसरा जो मैं आपको वार्न करना चाहूँगा वो है NRI सीट। देखिए, इस साल शायद जितने सालों से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ जेन्युइन NRI कैंडिडेट्स, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि 2021 तक तो ये सारी NRI सीटें कन्वर्ट होकर नॉर्मल सीट बन जाती थी राउंड चार में, फिर कॉलेजेस देते थे ट्रांसपेरेंटली और दूसरे तरीके से जो भी कॉलेज की क्वालिटी या एथिक्स थे। 2023 में आ गया, 2022 में आ गया कि राउंड तीन में ही NRI सीटें नॉर्मल सीट बन जाएंगी। 2023 में सारे राउंड ऑनलाइन हो गए और 24 में सब कुछ सेम ही चल रहा है 23 की तरह। लेकिन हम ये ना उम्मीद करा के लगते थे कि थर्ड राउंड में जी कट ऑफ क्यों गिरेगी कि बहुत सारी सीटें आएंगी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आदेश कॉलेज था जी, 11 NRI सीटें थी, कोई नहीं लेता था जी, तो राउंड तीन में 11 सीटें जनरल बन जाएगी तो मेरे को मिलने की उम्मीद है। अब तो राउंड वन में 5 सीटें ख़त्म हो गई हैं, तो ये हो सकता है कि राउंड टू में पूरी 11 ख़त्म हो जाए, तो कोई राउंड तीन में नई सीट आने के लिए स्कोप ही नहीं बचा। हाँ, वो भी आएंगी सीटें जिनके डबल अलॉटमेंट हुई राउंड टू में, फिर वो आदेश को ज्वाइन नहीं करें। मैंने कॉलेज से एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करी है। इसी तरह से अगर आप लास्ट राउंड टू का सीट मैट्रिक्स देखोगे जो MCCC ने निकाला था, तो जितनी NRI की सीटें बचती थी उससे काफ़ी कम बच रही हैं। MGM ग्रुप्स की, कस्तूरबा ग्रुप्स की, JSS, GLN बिरला का भी प्रैक्टिकली सारी ख़त्म है। KS हेगड़े इस राउंड में मुलाना की मुझे पूरा डाउट है कि काफ़ी हद तक उनकी ख़त्म हो जाएगी, जो कि पहली बार होगा मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री में कि मोस्ट ऑफ द NRI सीट्स राउंड टू तक आप ख़त्म हो। राजस्थान गवर्नमेंट मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा होगा कि उनकी सारी NRI सीटें एक्चुअली ली जाएंगी, वरना वो तो पक्का कन्वर्ट होती थी। और यही कन्वर्ट हो गए तो राउंड तीन में पेमेंट सीट बनती थी ना, जो कम मार्क्स से बच्चे को मिलती थी। हमेशा NRI सीटें ही कन्वर्ट हो गए, राउंड तीन में एक्स्ट्रा सीटें बनती थी अक्रॉस इंडिया। पर जब NRI ही ले लेंगे कम मार्क्स वाले, क्योंकि ये NRI के पेपर बनवाना या NRI की प्रोसेस है, मुझे लगता है कि सबको एक आम नॉलेज बन गई है जो शायद लास्ट ईयर तक खास नॉलेज थी। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ये मेरी आपको सलाह है, इसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। और जैसा मैंने कहा, सब कुछ पोस्टपोन्ड हो गया है, और चूँकि मेरे पास भी थोड़ा समय है, आज हमारा वो MCCC की, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं सबके लिए MCCC के चॉइस फिलिंग और स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस, सिर्फ जो गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स थे जिनके नए कॉलेज आए थे पिछले 2 दिन में, उनको हमें चॉइसेस में ऐड करना था। तो उसके अलावा रिलेटिवली मैं भी फ्री हूँ, टीम भी फ्री है आज और अगले 2 दिन, तो जो भी आप लोग हमसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा प्राइस हमने बढ़ा दिया है, जो ये भी आपको सीखना चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूँ जब कॉलेज की डिमांड बढ़ती है डिमांड सप्लाई है। देखिए, वैसे मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे अगर कोई 5,000 रुपये दे रहा है 20 मिनट के, तो मैं 2,500 रुपये क्यों लूँगा, राइट? तो 4 महीने पहले ले रहा था, अब बिज़ी हैं लोग देने को तैयार बैठे हैं, तो इसलिए हमने 2,500 रुपये लेना बंद कर दिया। और ये अगेन आप लोगों के लिए लर्निंग है कि हम ये सोचते हैं कि जो NRI सीट है या जो मैनेजमेंट सीट की बात करनी है बेसिकली बैंक गारंटी वाली, वो बाद में कर लेंगे, लेकिन जब बाद में तो आता ही नहीं है क्योंकि सारी सीटें तो भर जाती हैं। तो जब सारी सीटें भर जाएंगी तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं ना, और जो बचेगा फिर वो प्रीमियम होगा। देखिए, ओनर MBBS कॉलेज के, मोस्ट ऑफ द MBBS कॉलेज के ओनर बिजनेसमैन हैं, उनके लिए वो MBBS की सीट एक बिजनेस है, खासकर जो NRI सीट्स हैं या वो वाला कोटा है जिसमें बैंक गारंटी वगैरह लगती है। तो 4 महीने पहले किसी के पास 38 सीट थी या 23 सीट थी, वो देख रहा है कि मेरी डिमांड बहुत अच्छी है, 23 में से 15 ख़त्म हो गई, अभी तो मेरा राउंड टू ही स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो वो अपनी प्राइस को बढ़ाई करना भाई 25%, क्यों नहीं बढ़ाएगा जब लोग देने को तैयार बैठे हैं। इसमें कोई फिक्स MRP का रेट थोड़ी ना है, तो सेम हमने भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो बुरा मत मानिए। बेसिकली आपका प्यार मिल रहा है, फीस मिल रही है, तो हम भी तो 2 पैसे ज़्यादा कमा लें, क्या दिक्कत है। हैव अ नाइस डे बाबा। फिर भी मैंने हमेशा बोला है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग सिर्फ सरकारी या ESIA कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी मैं काउंसलिंग फ्री करता हूँ क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पर जो 1 करोड़ की प्राइवेट कॉलेज की सीट लेना चाह रहा है और वो मुझसे अगर 5-10 हज़ार नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, तो मुझे बल्कि गुस्सा ही बहुत आता है। राइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। 9643362320 पे कॉल कर सकते हैं, और बाकी डिटेल्स भी
डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं फॉर पेड कॉल्स एंड पेड काउंसलिंग। बाय बाय।